हेलो फ्रेंड्स, मैं सियरा के सिंगल रिसर्च एनालिस्ट और आपका स्वागत है हमारी टेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। आज हम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल तो देंगे ही, साथ ही एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पिक देंगे और साथ ही अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। आज निफ्टी ओपन हुआ 9409 पर और उसके बाद इमीडिएटली निफ्टी ने 9392 का लो लगाया, लेकिन उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी 9350 से 9450 से 9500 की रेंज में घूमता रहा। और लेकिन उसके बाद निफ्टी ने 9500 के लेवल को जब ब्रेक किया तो बड़ी शार्पली 9600 के लेवल को टच करने की कोशिश की और वहां से सस्टेन नहीं हो पाया और फाइनली निफ्टी ने 9553 पर क्लोजिंग की। कल के लेवल में निफ्टी की बात करूं, कल 30 अप्रैल को निफ्टी की वीक मंथली एक्सपायरी भी है तो कल वोलेटिलिटी काफी रहने की संभावना है। हालांकि कल के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर निफ्टी कल 9600 के लेवल को तोड़ता है और साथ ही उस पर सस्टेन भी करता है एक घंटे से ज्यादा तो हम 9650 से 9700 तक के लेवल भी कल निफ्टी में देख सकते हैं। अदरवाइज 9600 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए जो कि हम निफ्टी को फिर नीचे की तरफ 9400 से लेकर 9350 और 9300 तक के लेवल पर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी की बात करें, आज की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आज 20440 पर ओपन हुआ और उसके बाद इमीडिएटली बैंक निफ्टी ने 20394 का लो लगाया और उसके बाद मोस्ट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी 20600 से 20900 की रेंज में घूमता रहा और फाइनली जब बैंक निफ्टी ने 20900 के रेंज को तोड़ा तो फिर बैंक निफ्टी ने 21400 तक के लेवल को टच करने की कोशिश की और डे हाई बनाया 21348 का, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया और फाइनली बैंक निफ्टी ने 21090 के आसपास क्लोजिंग दी। कल के लिए अगर हम बात करें, कल बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है तो अगर वॉलेटिलिटी बहुत काफी कुछ होने की संभावना है। कल के लिए अगर मैं बात करूं, कल अगर बैंक निफ्टी 21500 के लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन भी करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में 21800 से 22000 तक के लेवल भी कल देख सकते हैं। अदरवाइज 21500 के लेवल के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए जो कि बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ 20700 से 20200 की तरफ ले जा सकती है। अब बात करते हैं आज का पिक ऑफ द डे, सुंदरम फास्टनर। हमारा आज का पिक ऑफ द डे है सुंदरम फास्टनर। इसका करंट भाव 312 रुपए है। इस स्टॉक को डिप पर यानी 300 रुपए से 305 रुपए के आसपास आप खरीद सकते हैं और इसका टारगेट प्राइस हमारा है 350 से 355 रुपए का, जो कि लगभग 16% अपसाइड देता है अगले 15 से 30 दिन में। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 279 पर रखें क्लोजिंग बेस पर। ये स्टॉक हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, वीकली RSI जो इसकी वो ओवरसोल्ड रेंज से राइज कर रही है, साथ ही साथ हमारा जो प्राइस है वो इसका डबल बॉटम का जो सपोर्ट प्राइस है उस सपोर्ट प्राइस के आसपास है और साथ ही साथ स्टॉक मंथली बेस पे एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है, तो इसलिए स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों के सवालों की। आज का हमारा सवाल है हेमंत गोयल जी का। इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो मुझे इंडेक्स म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हेमंत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और ये काफी सारे दर्शकों का इस तरह का सवाल हो सकता है, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF में एक बेसिक अंतर ये होता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ कॉस्ट होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ETF में नहीं होते। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड में कुछ लॉक इन पीरियड भी हो सकता है जो कि ETF में नहीं होता, क्योंकि ETF को आप स्टॉक की तरह बाय और सेल डेली बेस पर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ओपिनियन में ETF बेस्ट है इन कंपेरिजन टू इंडेक्स फंड। लेकिन फिर भी आपके रिस्क असेसमेंट के ऊपर, आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर, ये आपको एक अपने पर्सनल एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर से इसको प्रॉपरली सलाह लेनी होगी, क्योंकि आपके पास जो रिलेवेंट डाटा हो उसके बेस पर सलाह दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके किसी पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को देखते रहें और मुनाफा कमाते रहें और घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।